नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में इस पूरे हफ्ते कैसा रहा एक्शन, साथ ही अब सोमवार और अगले हफ्ते के लिए आपको तैयारी क्या करनी है। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल जरूर पूछिए, व्हाट्सएप पर अपना सवाल भेजिए 9582226 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फेसबुक पर @ZBusinessOnline और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल जरूर भेजिए। #बाजार आज और कल सवाल के साथ लिखिएगा जरूर। और आपकी सोमवार की तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से कुशल गुप्ता हमें बताएंगे इस पूरे हफ्ते में बाजार कैसा रहा बदहाल, और आशीष हमें बताएंगे अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स। सबसे बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करेंगे, लेकिन हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन कैसा रहा आज बाजार का हाल? एक बार फिर से बाजार गिरावट के साथ ही बंद हुए। कारोबारी हफ्ते के अंतिम दिन भी बाजार में मुनाफा वसूली का दौर जारी रहा। सेंसेक्स करीब 135 अंक टूटकर 51,360 के करीब बंद हुआ। वहीं निफ्टी 67 अंकों की गिरावट के साथ 15,293 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 126 अंकों की तेजी रही और 32,743 के स्तर पर ये जाकर बंद हुआ है आज। और बाजार में आज का सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन जरा डिटेल में समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ। हफ्ता बाजार के लिए बहुत ही बदहाल रहा है, कहां पर सबसे ज्यादा आज इंपैक्ट देखने को मिला इस गिरावट का? जी, तो इस हफ्ते हमने देखा कि बाजारों में भारी गिरावट का हमें एक्सपीरियंस करने को मिला। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 सालों में सबसे बड़ी गिरावट निफ्टी में हमें आती हुई नज़र आई है। इसके पहले मई 2020 में ये गिरावट आती हुई नज़र आई थी, इससे ज़्यादा की गिरावट थी। पर अब आप देखिए तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 5.5% तक की गिरावट आती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं इसका जो क्लियर कट इम्पैक्ट है निफ्टी के काफ़ी सारे स्टॉक्स में तो था ही, साथ ही ब्रॉड बेस स्पेस में आप देखिए तो निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी इस हफ्ते लगभग 6 से 8% तक लुढ़कते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में सबसे ज्यादा जहां पर गिरावट रही उसमें ONGC टॉप लूजर निकल कर आया, करीब 14% की गिरावट थी। साथ ही हिंडालको यहां पर भी 13.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। और IT शेयरों में इस हफ्ते खासा दबाव आता हुआ नजर आया, हालांकि गेनिंग ग्राउंड जो है केवल एक स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल्स में आते हुए दिखे। इनफैक्ट टॉप लूजर्स अगर आप देखेंगे तो RBL बैंक काफी ज्यादा पिटाई होती हुई दिखी, और आज तो अगर आप देखें तो 80 के नीचे भी ये स्टॉक जाता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट 29% की फॉल यहां पर पूरे हफ्ते में हमें देखने को मिली। साथ ही मैस्टेक काफी ज्यादा चर्चित था, MRPL वहां पर 21% की गिरावट थी। और टॉप गेनर्स में बात करेंगे तो VIP इंडस्ट्री संभलता हुआ नजर आया, करीबन 10% की तेजी यहां पर आती हुई नजर आई थी। इनफैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे तो कोई भी सेक्टर जो है हरे निशान में बंद होने में असफल रहा। इनफैक्ट गिरावट में सबसे ज्यादा मेटल्स काउंटर्स पिटते हुए दिखे, लगभग 9% से ज्यादा का इंडेक्स लेवल पर गिरावट थी पूरे हफ्ते। वहीं टॉप लूजर नालको निकल कर आया, करीबन 16% से ज्यादा की गिरावट यहां पर थी, और हिंडालको में भी 14% तक की गिरावट पूरे हफ्ते में हमें देखने को मिली। इनफैक्ट IT स्पेस में भी प्रॉफिट बुकिंग लगातार जारी है, और यहाँ पर भी आप दबाव देखिए, एम्फेसिस सबसे ज़्यादा 13% तक लुढ़का, टेक महिंद्रा भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही लुढ़कते हुए नजर आए। और आज के दिन में भी हमने देखा कि एनर्जी स्पेस की जो स्टॉक्स है वहाँ पर भारी दबाव था, और पूरे हफ्ते भी अगर आप देखें तो ONGC समेत IOC, NTPC, BPCL पर भी खासा दबाव देखने को मिला। और अंत में बैंकिंग स्पेस पर भी आपको लूजिंग ग्राउंड्स ही आते हुए दिखे, जिसमें इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 10% तक की दादा की गिरावट यहाँ पर भी दर्ज होती हुई नजर आई। तो ओवरऑल जिस तरह का सेंटिमेंट इस हफ्ते रहा वो काफी गिरावट भरा था। अब देखना होगा कि अगले हफ्ते क्या एक यू टर्न आता है या फिर गिरावट का ये जो दौर है ये जारी रहता है। FIIs और DIIs के आंकड़े भी जरा देख लें। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में भारी भरकम बिकवाली की है, 7,818 करोड़ रुपए की। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 6,086 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और संदीप जैन हमारे आज के एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, पूरा हफ्ता बाजार के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा है, और कारोबारी हफ्ते के अंतिम दिन भी बाजार को कोई ज्यादा रियायत मिली नहीं। कैसे रैपअप करेंगे आप इस पूरे हफ्ते को, और आगे आने वाले दिनों का आउटलुक आप क्या समझते हैं? देखिए, जिस तरीके का ये हफ्ता था, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वीक्स बोल सकते हैं। इतनी बड़ी गिरावट
एक्सपेक्ट नहीं की थी मार्केट्स ने, और ऑलरेडी गिरा हुआ मार्केट था और उसमें भी अपने अहम जो एवरेजेस थे या सपोर्ट्स थे उनको बहुत ही आराम से तोड़ दिया, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज था। और रीजन बीइंग देखिए, जिस तरीके से इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रहा और रेट हाइक्स, इतने बड़े बड़े रेट हाइक्स है बाय द सेंट्रल बैंक्स, तो दिख रहा है कि उन वो लोग बहुत नर्वस है और काफी पेनफुल हो रहा है, इकोनॉमी के लिए कंट्रोल के बाहर हो रही है। तो इस तरीके से मार्केट्स काफी रिएक्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए 15,300 के नीचे आज क्लोजिंग हुई है, कहीं ना कहीं 14,900-15,000 एक हो सकता है ये सपोर्ट के लेवल पे काम करे नेक्स्ट वीक। और स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स 6-7% ऑलरेडी टूट चुके हैं, और 5.5% आप देखिए मेन इंडेक्स टूटा है। और आईटी सेक्टर, जो कि जनरली डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, डॉलर अगर मजबूत होता तो उनको बेनिफिट मिलता, बट वहां पे भी वो डिफेंड नहीं कर पा रहे पोर्टफोलियो को। और FIIs की आज भारी भरकम, जैसा कि आपने कहा, सेलिंग थी, हालांकि FNO में थोड़ा बहुत उनकी शॉर्ट कवरिंग दिखी है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक, बट मुझे लगता है कि वीकेंड है, कुछ अगर कोई पॉजिटिविटी आ जाए, कोई न्यूज आ जाए, तो थोड़ी बहुत संभल सकते हैं मार्केट्स। तो मेरे हिसाब से कॉशियस रहने का बहुत इंपॉर्टेंट समय है, एंड अननेसेसरीली अभी भी बॉटम फिशिंग या नीचे के लेवल्स पे खरीदने वाला समय आया नहीं है। मुझे लगता है पैनिक अभी भी बाकी है, और क्रैक जो कल आया एक ही दिन में, अगर ऊपर के लेवल्स और नीचे के लेवल्स, इतना बड़ा 500 पॉइंट का निफ्टी में जो फॉल था, बहुत बड़ा ये रिएक्शन था और ट्रेंड चेंजिंग रिएक्शन था, तो इसलिए मैं थोड़ा और कॉशियस हूँ। बिल्कुल संदीप जी, अब ऐसे बाजार में सोमवार को किसी को खरीदारी करनी हो तो मौके बन रहे हैं कहीं पर, और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अगर इंट्राडे पिक के तौर पे, अगर सोमवार के दिन अगर कोई स्टॉक में काम करना हो, तो मैं यही बोलूंगा कि आप सेलिंग करके काम करें। मैं पिछले 2 हफ्ते से जनरली मैं बाइंग कॉल्स देने के लिए जाना जाता हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप देने में ज्यादा मैं आगे रहता हूँ, बट इस बार मैं सेल कॉल दे रहा हूँ। पिछले वीक भी मैंने कोटक महिंद्रा बैंक सेल कॉल दिया था, और इस बार भी टाटा कंज्यूमर को मैं सेल करने की राय दे रहा हूँ। 714 का लेवल था जहां पे क्लोज हुआ, 690-670 का टारगेट लगाए और 730 का स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे पिक के तौर पे टाटा कंज्यूमर, और पोजिशनल पिक के तौर पे ऑटो इंसिलरी थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट्स को, तो थोड़ा सा हेज के हिसाब से मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर चीज बेच के काम करें, थोड़ी बाइंग भी, कुछ चुनिंदा शेयर्स ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं तो वहां पे ध्यान देना चाहिए। तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, जो कि मेरा जेम स्टॉक भी है, मैंने रिसेंटली भी दिया था, और अब लगता है कि एक अच्छा खासा मार्केट्स में जब करेक्शन आते हैं तो हर स्टॉक की पिटाई होती है, तो इन लेवल्स पे स्टॉक को लिया जा सकता है। और 2450 का टारगेट लगाएं और 2090 का स्टॉप लॉस लगाएं। सो पोजिशनल पिक के तौर पे क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, क्राफ्ट्समैन ऑटो पोजिशनल पिक, खरीदारी करने की सलाह, और इंट्राडे एफएनओ में सोमवार के लिए टाटा कंज्यूमर्स बेचने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन। आइए अब जरा कुछ कॉलर्स के सवाल भी लेते हैं और जानते हैं कि वो क्या सवाल हमसे पूछना चाह रहे हैं। पहला सवाल हमारे पास जो आ रहा है वो है हावड़ा से सिद्धार्थ राज जी का। सिद्धार्थ जी का सवाल टाइटन पर है, 50 शेयर इनके पास है जिन पर इनकी खरीद है 2,200 की। टाइटन पर खास तौर पर इनके लेवल्स को अगर समझ लें, इनको नुकसान हो रहा है 13,000 रुपए से ज्यादा का। इनफैक्ट शेयर में 10 महीने के निचले स्तर पर भी ये लुढ़का है और निफ्टी का टॉप लूजर भी बना। टाइटन में क्या सलाह देंगे संदीप जी? देखिए टाइटन में बड़ा क्रैश आया है और अभी भी मुझे ऐसा लगता है, देखिए अगर इन्होंने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है तो इनको स्टॉप लॉस जरूर से लगाना चाहिए था, और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया तो देखिए अब समय देना पड़ेगा। जिस तरीके से गोल्ड में या ओवरऑल अगर आप इंटरेस्ट रेट्स और सारी चीजों पे जब आप कंट्रोल लाते हैं तो सारे एसेट क्लासेस को काफी इंपैक्ट पड़ता है, और मुझे लगता है कि स्टॉक महंगा है वैल्यूएशंस के लिहाज से, तो थोड़ा सा अब इनको वेट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि निकल जाए इन लेवल्स पे, बहुत बड़ा क्रैक है, हो सकता है कि 1700-1800 पे जाके सपोर्ट ले, बट anyways, if he is a long-term investor or even if he is a trader, तो इनको होल्ड अप करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो सर्टेनली होल्ड करें। क्वालिटी को लेकर कोई इशू नहीं है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, और जिस तरीके से इंडियन डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी बनती है उनमें ये वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स और कंपनीज है, तो मेरे हिसाब से इतने बड़े फॉल के बाद जो कि ऊपर के लेवल 2700 करीब दिखाए उसके सामने बहुत बड़ा करेक्शन है, तो सपोर्ट लेना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। सो ऑल ही हैज टू डू इज टू गिव टाइम एंड थोड़ा वेट करें पेशेंस के साथ। ओके, पेशेंस रखे, टाइटन कंपनी पर बने रहने की सलाह दे रहे हैं संदीप जी। अगला सवाल सूरत से जितेंद्र चंद्र हमें पूछ रहे हैं, और जितेंद्र जी के 3 स्टॉक्स पर सवाल हैं,
IEX पहले लेवल्स इसके बता दे 500 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 225 की, इन्हें नुकसान हो रहा है अपने इस खरीद पर। दूसरा जो सवाल है इनका है टाटा मोटर्स पर, टाटा मोटर्स के 400 शेयर इनके पास है और टाटा मोटर्स पर इन शेयर्स पर इनकी खरीद है 450 रुपए की और टाटा मोटर्स में भी इन्हें नुकसान है। और जितेंद्र जी का जो तीसरा शेयर है वो है बैंकिंग स्पेस से SBI और SBI के 100 शेयर इनके पास है जिन पर इनकी खरीद है 500 रुपए की। और SBI की बात करें तो यहां भी इन्हें नुकसान है। आइए टाटा मोटर्स SBI क्या सलाह देंगे? देखिए IEX ने भी बहुत बड़ा करेक्शन दिया। मुझे याद है जब 10 रुपए की फेस वैल्यू हुआ करती थी और कोरोना के बाद मैंने 215-220 रुपए पे रेकमेंड किया था और आज 2 रुपए की फेस वैल्यू और देखिए आप कहाँ पहुंचा हुआ स्टॉक। तो देखिए लाजमी था करेक्शन होता है। हालांकि देखिए ये एक अच्छा सरोगेट प्ले भी है, मैं ईवी का भी बोल सकता हूँ और पावर सेक्टर वैसे बहुत पावरफुल था बट और ये एक यूनिक बिजनेस है और मोनोपोलिस्टिक बिजनेस और एक्सचेंजेस इकोसिस्टम पे मुझे बहुत भरोसा है, बींग फ्रॉम द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे। बट यस मुझे लगता है कुछ तो डिस्ट्रीब्यूटेड भी ज्यादा हो गया है और रिटेल लेवल पे जब बहुत ज्यादा पोजीशन, अगर कई लोगों से बात करते हैं तो सब लोगों के पास IEX जनरली लिया हुआ ही रहता है तो उस टाइम पे FNO में जनरली टूटता स्टॉक और आज कहीं ना कहीं अब यह सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। 160-165 का रेंज है जहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अब इनको इसमें भी यही है कि अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इनको कहीं ना कहीं होल्ड ही करना पड़ेगा। क्वालिटी को लेकर कोई इशू नहीं है, बिजनेस को लेकर, प्रोस्पेक्ट्स को लेकर और अभी कई सारे नए इनिशिएटिव्स आ रही है, गैस और ये सब चीजें इसमें ट्रेडिंग होने के लिए आ रही है तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट यस पेन झेलना पड़ेगा, नीचे आ सकता है और अगर ट्रेडर थे तो मैं ये बोलूंगा कि इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था बट नाउ बीइंग इन लॉसेस ही हैज बिकम एन इन्वेस्टर, इनको होल्ड करना चाहिए। और दूसरा टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं तो टाटा मोटर्स भी देखिए आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने किया था कि इनको ये 2024 तक डेट फ्री कंपनी बनाएंगे। और टाटा मोटर्स के बारे में जब भी पूछते हैं तो मैं जनरली पॉजिटिव राय नहीं देता, मुझे इसके डेट्स ही सबसे बड़े डिसएडवांटेज लगते हैं। और जिस तरीके से अब जो अगर देखते हैं तो बैलेंस शीट में देखिए कंटिन्यूसली कई सालों से लॉसेस में है बट अदरवाइज जिस तरीके की एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट्स में आ रही है और ऑटो स्पेस अच्छा कर रहा है और इनके जो मंथली नंबर्स आ रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं तो आई फील कि दिस स्टॉक कैन डू वेल। बट फिर भी मेरी राय जनरली बाइंग की नहीं है बट चूंकि इन्होंने ले रखा है तो मैं यही बोलूंगा कि इनको इस स्टॉक को भी होल्ड करके रखना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा इफ वी हैव टू गो बाय द स्टेटमेंट्स ऑफ द टाटा ग्रुप चेयरमैन जिसपे मैं काफी मतलब भरोसा करता हूँ कि ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और SBI यस आई एम बुलिश, अगर कोई को बैंक्स में और बैंक निफ्टी पे या फिर PSU बैंक्स में इन्वेस्टेड रहना है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मैं SBI और HDFC बैंक के बारे में बात करता हूं और प्राइवेट सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक में SBI। तो मेरे हिसाब से SBI को ये होल्ड करे ठीक है, मार्केट्स के करेक्शन के साथ गिरेगा, बारिश आती है तो सब भीगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बचेंगे तो अछूते तो ये भी नहीं रहेंगे, स्टॉक सारे टूट रहे हैं बट स्टिल मुझे ये फिर भी स्ट्रॉन्ग लगता है। सो स्टॉक्स की सिलेक्शन इनकी वैसे ठीक है IEX और SBI के तौर पे, मेरे हिसाब से SBI को भी होल्ड करना चाहिए बट यस विद पेशेंस और समय देना पड़ेगा, करेक्शन में घबराएं नहीं एंड अननेसेसरली कोई एवरेजिंग और लिवरेजिंग नहीं करें। ओके IEX टाटा मोटर्स SBI तीनों में बने रहने की सलाह संदीप जैन की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं और अगला सवाल गौरव वर्मा पूछ रहे हैं। गौरव वर्मा का सवाल बरेली से है, इंडिया बुल्स पर इनका सवाल है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के 150 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 153 की। क्या सलाह देंगे आप इन्हें इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर करने की? फिलहाल इन्हें अपनी खरीद पर नुकसान हो रहा है। देखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अब चूंकि प्रोमोटर्स चेंज हुए तो मैं सर्टेनली कॉन्फिडेंस थोड़ा मैंने भी दिखाया था कि मैं ये नहीं बोलता कि मैं इसको ट्रैक ही नहीं करता या मैं इसके बारे में कोई कमेंट ही नहीं, पहले तो मैं कमेंट भी नहीं देता था, मुझे फंडामेंटली या टेक्निकली कभी भी ये स्टॉक पसंद नहीं आया बट चूंकि अब हैंड्स चेंज हो रहे हैं और एम्बेसी ग्रुप आ गई है तो सर्टेनली बहुत बड़ी चीज है। बट फिर भी मैं कहूंगा कि अगर रियल एस्टेट के ऊपर प्ले करना ही है तो एम्बेसी REIT कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। जनरली मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, रियल एस्टेट पे हम लोग हमारे क्लाइंट्स को एम्बेसी REIT को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत एग्रेसिवली बता रहे हैं वेरी फ्रेंकली। बट यस इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में यही कहूंगा कि एग्जिट ऑन बाउंस की रणनीति अपनाएं और कोई दूसरा रियल एस्टेट प्ले करना तो मुझे लगता है कि आप इवन HDFC लिमिटेड जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वहां पे भी सरोगेट बेनिफिट मिलेगा बट अगेन वहां पे भी HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर की चीजें चल रही है तो हो सकता है कि HDFC बैंक को ही ले ले, वो ज्यादा बेहतर रहेगा।
तो उछाल पर निकलने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट आईबी रियल एस्टेट से और एचडीएफसी बैंक में खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, स्वरूप सिंह जमशेदपुर से पूछे, अदानी ग्रीन पर इनका सवाल है, 100 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 1,903 रुपए की। अदानी ग्रीन पर इन्हें हो रहा है नुकसान, क्या किया जाए? अगेन देखिए, मैं सेक्टर बढ़िया लगता है बट जिस तरीके के वैल्यूएशन है मुझे बहुत डर लगता है। मैं पहले भी गलत पड़ा हुआ हूँ, मैं जनरली इस ग्रुप पे मैं जनरली ठीक से मेरी राय नहीं बना पा रहा हूँ, हालांकि बहुत बड़े रिटर्न्स दिए। और ये स्टॉक देखिए, अगर आप चार्ट देखेंगे तो डर जाएंगे जिस तरीके के चार्ट है, और वैल्यूएशन भी देखे तो 627 के पी मल्टीपल पे, मतलब कितने भी फ्यूचरिस्टिक हो जाए बड़े मार्केट्स में और तेजी के मार्केट्स में स्टॉक्स चलते हैं, बट खराब मार्केट्स में हाई वैल्यूएशंस वाले स्टॉक नीचे भी आ सकते हैं। तो मैं वेरी फ्रेंकली मैं कंफ्यूज हूँ, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द स्टॉक, सो मैं राय देने में इस स्टॉक पे सक्षम नहीं हूँ। बाकी ठीक है, अब इन्होंने अपनी रिसर्च के हिसाब से लिया होगा तो अपने हिसाब से करें, बट आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू कमेंट ऑन द स्टॉक। अगला हफ्ता बाजार के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स है जिन पर रहेगी बाजार की नजर, समझते हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। ठीक है, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स पर नजर रखिएगा क्योंकि यूएस यानी अमेरिका में जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मई महीने का डेटा जो है ये आएगा। अब सोमवार यानी 20 जून की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए शेव्योट कंपनी जो कि ऑलरेडी बीएससी लिस्टेड है, इसकी अब लिस्टिंग जो है एनएसई पर भी होने वाली है, और साथ में सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड इसकी स्कीम में आवेदन देने का पहला दिन होगा, स्कीम शुरू हो रही है 20 से लेकर 24 जून तक ये स्कीम जो है खुली रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूएस में जो है बाजार बंद रहेंगे सोमवार को क्योंकि वहाँ पर जो छुट्टी है, और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का फाइनल डिविडेंड है 56.5 रुपये का, तो इसकी एक्स डेट है, इसका एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा 21 जून यानी मंगलवार। यहाँ पर देखिए पॉलीकैप इंडिया डिविडेंड दिया था 14 रुपये का, इसकी एक्स डेट है सुबह, आपको इसका एडजस्टमेंट स्टॉक के प्राइस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा 22 जून बुधवार, यहाँ पर भी देखें तो ढेर सारे स्टॉक्स में एडजस्टमेंट है, अजंता फार्मा यहाँ पर एक्स डेट होगी 2 पे 1 बोनस शेयर के इशू की, तो यहाँ पर भाव में आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। डॉक्टर लाल पैथ लैब फाइनल डिविडेंड था 6 रुपये का, और साथ में देखिए GHCL फाइनल डिविडेंड था 10 रुपये, स्पेशल डिविडेंड था 5 रुपये, यानी कुल मिलाकर 15 रुपये का जो एक्स डेट का एडजस्टमेंट आपको स्टॉक के प्राइस में देखने को मिलेगा। ग्लोबल में देखें तो यूके में जो रिटेल महंगाई दर के आंकड़े मई महीने के वो आएंगे, और यूके में हाउस प्राइस इंडेक्स इसका भी जो डेटा है वो रिलीज होगा। गुरुवार की बात करते हैं तो डालमिया भारत क्योंकि एफएनओ का स्टॉक है 5 रुपये का जो है डिविडेंड यहां पर दिया गया, तो इसकी एग्जिट है, और रिकॉर्ड डेट है अजंता फार्मा के बोनस इशू की, 2 पे 1 बोनस शेयर का कंपनी ने ऐलान किया था। 24 जून यानी शुक्रवार की बात करें तो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड यहां पर आवेदन देने का जो है आखिरी दिन होगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहां पर छोटा ही से डिविडेंट है 4 रुपये का, इसका एडजस्टमेंट है। नजारा टेक्नोलॉजीज बोनस है 1 पर 1 का, बोनस का एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। और साथ में ग्लोबल मार्केट्स में यूके की रिटेल सेल्स हैं मई महीने के, इसके डेटा आएंगे, यानी इवेंटफुल वीक रहेगा, नजर रखेंगे। चलिए अगले हफ्ते के इवेंट्स हमने समझे, अब सोमवार की ऑप्शन स्ट्रेटजी भी जानते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़े हैं। चंदन जी बहुत स्वागत करते हैं शो में, सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी कहाँ रखी जा सकती है? देखिए बाजार में उठा पटक जारी है, और हालांकि आज जरूर बाजार एक दायरे में था, अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव था, बट यानी कि ऐसा लग रहा है कि उछाल में बाउंस नहीं आ रहा है, नीचे में सपोर्ट जरूर आ रहा है, और पूरा का पूरा जो भारतीय बाजार है वो डाउ नासडेक यानी ग्लोबल संकेतों के टिके हुए रहेंगे, तो इसलिए बाजार में आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की मिक्स पोजिशन रखनी चाहिए। ओवरऑल इंडेक्स में हमारा व्यू यही है कि जब तक 15,555 का जोन डिसाइसिवली नहीं निकलता है, ऊपर में वापस सेलिंग के प्रेशर बन सकते हैं, तो इन सबको डील करने के लिए 2 ट्रेड सेटअप रहेंगे। पहला रहेगा ITC, जहाँ पे हमारा पॉजिटिव बायस है, यानी कि आप देखो कि स्टॉक में हल्का सा ऊपर के लेवल से करेक्शन हुआ है, बड़े की मूविंग एवरेज के साथ में आज इसने एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बनाया है, मेजर सपोर्ट से काउंटर टर्न हो रहा है, और कहीं भी ऊपर में 272-275 तक के अपसाइड बन सकते हैं। तो ITC का 260 का कोर्स एक्सपायरी था, इस महीने की एक्सपायरी का लेने की सलाह रहेगी 6 रुपए के आसपास में, 3 रुपए के स्टॉप लॉस टारगेट डबल होकर 11-12 रुपए तक के लेवल दिखा सकते हैं। वहीं दूसरा ट्रेड रहेगा सन फार्मा में, सन फार्मा और बहुत सारे फार्मा काउंटर स्ट्रक्चर काफी वीक है, सन फार्मा में ब्रेकडाउन देखने को मिला है, स्टॉक अपने मल्टी मंथ लो के आसपास है, यहाँ पे लग रहा है कहीं ना कहीं स्टॉक मुद्दे में 780 से लेके 760 तक के डाउन साइड दिखा सकते हैं, इसलिए सन फार्मा का 800 का पुट लेने की सलाह रहेगी, 18 रुपए के आसपास नहीं 10 रुपए का स्टॉप लॉस, ये पुट आपको ऊपर में 30 रुपए तक के टारगेट भी दिखा सकता है। चंदन जी एक बार ITC की कॉल के लेवल्स रिपीट कर देंगे?
260 की कॉल लेने की सलाह रहेगी, 6 रुपए के आसपास ले, 3 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट डबल यहां पे 12 रुपए तक जाने की संभावना है। बहुत धन्यवाद करेंगे चंदन जी, सोमवार के ऑप्शन स्ट्रेटजी बताई। और अब जाएंगे सीधे हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन के पास। संदीप जी बताइए, अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए कौन सा स्टॉक है आपकी पसंद? बिल्कुल एबट इंडिया, और ये स्टॉक ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार रेकमेंड किया, काफी निचले लेवल्स पे काफी बार रेकमेंड किया और ये स्टॉक गजब का परफॉर्म किया है और ऊपर के लेवल्स 24,000 के दिखाए और उसके सामने आज 17-18,000 के लेवल्स पे मिल रहा है। और ऐसे खराब मार्केट में भी लास्ट वीक ये स्टॉक एक तरीके से आउट परफॉर्म किया है। टेक्निकली भी फंडामेंटली तो देखिए अनक्वेश्चनेबल फंडामेंटल्स है और टेक्निकली इतना बढ़िया बंद हुआ है ये स्टॉक 200 डेमा और 50 डेमा के ऊपर, जो कि मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। और अभी रिसेंटली हमारे पैनल के जो दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट्स है राकेश कुणाल, चार्ट कॉर्नर में भी स्टॉक को रेकमेंड किया गया, मैंने भी पिक ऑफ द वीक में रिसेंटली मॉर्निंग शो में रेकमेंड किया है। और ये कंपनी देखिए पार्ट ऑफ द एबट इंटरनेशनल जो एमएनसी है, 160 कंट्रीज में काम करती है और 130 साल पुरानी कंपनी का पार्ट है ये। और जो भी सेगमेंट में ये है, मतलब गैस्ट्रो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और वैक्सीन्स और ये सब बनाती है, उनमें ये करीब 15 प्रोडक्ट्स में अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। और अब फंडामेंटल्स की बात करूं तो कुछ नंबर्स वहां दूंगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज यूजुअल बहुत जबरदस्त रहते हैं, 38-39% के। रिटर्न ऑन इक्विटी 30% का है और पिछले 3 साल के प्रॉफिट की कहकर 22%। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स आर ऑल्सो ह्यूज, 16% पे काम कर रही है। मार्च 2021 में 152 करोड़ का पैट था, उसके सामने मार्च 2022 में 211 करोड़ का पैट और 800 करोड़ का पैट 21-22 में ये कमाई है, जो कि हाईएस्ट एवर एनुअलाइज पैट है। और अपर लेवल जैसा कि मैंने कहा कि 24,000 का दिखाया है, उसके सामने अच्छा खासा करेक्ट किया है। और एक और चीज, प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग तो सर्टेनली इसमें हायर रहती है और 75% के लगभग, और बाकी भी FIIs DIIs का पूरा भरोसा बना हो, वहां पे भी उनके 8-9% के लगभग स्टेक है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे ले और टारगेट जो 20,750 का लगाए। एबट इंडिया लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह संदीप जैन की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।